सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में फाइनली एक और नया अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो अपडेट है वो आपका लेटेस्ट वर्जन 20.3.2 का एक लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। तो चलिए आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप का ये जो न्यू अपडेट है इसके बारे में आपको बताते हैं, इसमें क्या अपडेट आए हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो सभी सेविका बहनें पोषण ट्रैकर ऐप को यहां से अपडेट कर लेंगी और सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग जो भी नई अपडेट आती है इसकी जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पोषण ट्रैकर ऐप को सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर अपडेट वाले पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर लेके जाएगा और यहां पे आके इसको आप अपडेट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहां पे अपडेट पे लगा देता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या अपडेट आया हुआ है। तो यहां पे पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट हो चुका है। अब आइए जानते हैं यहां पे कि ये जो अपडेट है उसमें क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले यहां पे आप वर्जन चेक कर पाएंगे, 20.3.2 का ये लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण अपडेट है, दोनों को समझना आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है। जैसे कि पहला अपडेट है मैंडेटरी आधार वेरिफिकेशन फॉर AWW and AWH, यानी कि जो भी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका है उनका आधार वेरिफिकेशन अब मैंडेटरी कर दिया गया है। जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने अभी तक आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है उनको अब हर हाल में आधार वेरिफिकेशन कर लेना है। और जैसे कि मैंने आधार वेरिफिकेशन को लेकर एक दो वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पर, उसको नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लीज़ उसको देखिए और अपने आधार वेरिफिकेशन को 100% कम्प्लीट कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है हेल्थ डॉक्यूमेंट लिंकिंग विथ आभा आईडी। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बोला गया था कि आभा आईडी जनरेट करने के लिए, तो फिर से आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी बेनिफिशरीज हैं उनका आभा आईडी को लिंक करना है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप पर चल के देखते हैं कि किस प्रकार से जो आभा आईडी है वो जनरेट किया जाएगा। ठीक है, तो सभी बहनें पोषण ट्रैकर ऐप को ज़रूर अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद यहाँ से आप लोगों को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करके ओपन करेंगे तो जो भी आंगनवाड़ी सेविका बहनें अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं की हैं उनका यहाँ पे सबसे पहले माय प्रोफाइल का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आंगनवाड़ी सेविका का जो आधार वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर, अपना नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जीमेल आईडी है तो डालिए, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका पहला अपडेट है, यानी कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में आपको हर हाल में जो आधार वेरिफिकेशन है वो कम्प्लीट करना है, तभी आप लोग का आगे जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो खुल पाएगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, यानी कि आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख पाए कि पहला अपडेट में आप लोगों को आधार वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो सभी सेविका बहनें आधार वेरिफिकेशन ज़रूर कम्प्लीट कर लें। अब चलिए दूसरे अपडेट की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले यहाँ पर फिर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन करके आपको दूसरे अपडेट के बारे में बताते हैं। यहाँ पर हम बेनिफिशरी वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बेनिफिशरी वाले कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। तो बेनिफिशरी वाले कैटेगरी में आने के बाद यहाँ पे जितने भी लाभार्थी हैं उनका आभा आईडी क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम किसी एक लाभार्थी के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि जो आभा आईडी है वो कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, किसी एक लाभार्थी के नाम के आगे जो 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे क्रिएट रिट्राइव आभा, यानी कि यहाँ से आप लोगों को आभा आईडी क्रिएट करना है। आभा आईडी क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जो उनका मोबाइल नंबर है आधार यूजिंग वो वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही आप लोग उसका आभा आईडी क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जो भी इनका मोबाइल नंबर आपने दिया है उसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उनके पास एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालने के बाद आप उसका आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके रिलेटेड अलग से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि आपको बताऊँगा किस प्रकार से आपको आभा आईडी क्रिएट करना है, लिंक करना है। फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप का जो 20.3.2 का जो न्यू अपडेट आया है उसको आप लोगों को अपडेट कर लेना है। ठीक है, बाकी जो आगे का प्रोसेस होता है मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।